वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का विनर्स हॉस्पिटैलिटी डॉट कॉम पे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को भी नेमिंग वर्ड किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी प्लेस का जो नाम बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। इन सेंटेंस नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मतलब किसी सेंटेंस में एक नाउन जो है काम करता है किसी ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का और प्रीपोजिशन का। नाउन कैन ऑल्सो फॉलो लिंकिंग वर्ब्स टू रीनेम और री आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। नाउन जो है ऑल्सो फॉलो लिंकिंग वर्ब्स को भी फॉलो कर सकता है उसको रिनेम करने के लिए या फिर री आइडेंटिफाई करने के लिए द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज। तो दीज आर नोन एज प्रेडिकेट नाउन। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और क्लॉज इज द पर्सन और थिंग डूइंग, परफॉर्मिंग और कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो किसी पर्सन की डूइंग और थिंग का, जो डूइंग काम कर रही है और परफॉर्मिंग या फिर कंट्रोल कर रही है एक्शन को, वर्ब के एक्शन को, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। द डॉग चेज्ड इट्स टेल। मतलब द नाउन डॉग इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब चेज। मतलब जो नाउन डॉग है वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। द वर्ब चेज, जो चेज होता है मतलब कि पकड़ना, वो उसके अपनी टेल के पीछे, अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है। तो आगे हम चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर वट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस और क्लॉज। मतलब जो एक्शन को रिसीव करता है किसी वर्ब के या फिर सेंटेंस के और क्लॉज के। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेज्ड इट्स टेल। जो कुत्ता है वो अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है, तो ये एक्शन को रिसीव कर रही है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग हु रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रेडिकेट नाउन। नाउन्स दैट फॉलो लिंकिंग वर्ब्स आर नोन एज प्रेडिकेट नाउन। मतलब जो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं उसको हम प्रेडिकेट नाउन बोलते हैं, समटाइम नोन एज प्रेडिकेटिव नाउन। इज सर्व टू रिनेम और रीआइडेंटिफाई, ये रिनेम या रीआइडेंटिफाई करते हैं। आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन, काइंड ऑफ नाउन। तो नाउन के प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो किसी भी मतलब वस्तु का, व्यक्ति का प्रॉपर जो नाउन नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे राहुल, बाइबल, दिल्ली, ETC। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो आगे हम चलते हैं कॉमन नाउन, मतलब जो सब में कॉमन होता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब राम, रवि एक स्टूडेंट है, तो रवि एक प्रॉपर नाउन है और स्टूडेंट है, रवि है और राम है, दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो दोनों स्टूडेंट हैं तो वो कॉमन है। प्लेयर, जैसे हम बात करते हैं प्लेयर्स की, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, तो ये सभी ये प्रॉपर नाउन है। और जब हम यूज़ करते हैं प्लेयर्स का, वो दोनों प्लेयर, तीनों प्लेयर हैं, तो ये कॉमन हो गया। बॉय एक कॉमन है सब में, टीचर एक कॉमन है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई इधर टीचर से आप सीख रहे हैं तो वो भी टीचर है, तो दोनों के लिए आप टीचर यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। जनरली हम जो है आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन के। अगर हम इसको यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के लिए, कॉमन नाउन एज अ कॉमन नाउन हम इसको यूज़ करते हैं, तो हम आर्टिकल ए और एन सिर्फ हम इसके पहले यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो सेंटेंस है, आई वेंट टू ए दिल्ली, मतलब मैं एक दिल्ली गया। दिल्ली तो एक ही है, यूनिक है, तो हम इसमें ये गलत है। और आई वेंट टू द दिल्ली, ये भी गलत है, मैं उस दिल्ली गया, मतलब मैं दिल्ली गया, तो ये दोनों गलत हैं। तो अगर हम बात करते हैं यू आर ए सलमान खान, आपने कोई पर्सन देखा या फिर आपने तेंदुलकर के जैसा पर्सन देखा या सलमान खान के जैसा पर्सन देखा, तो वो सलमान खान नहीं है, बट आपने बोला कि ये तो तेंदुलकर लग रहा है इस शक्ल में, या फिर सलमान खान जैसी बॉडी बना रखी है तो वो सलमान खान जैसा लग रहा है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं कॉमन नाउन। उसके आगे हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल्स का, ए और एन का। तो यू आर ए सलमान खान, यू आर ए तेंदुलकर। आगे हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है क्लास को या टीम को या यूनियन को, गवर्नमेंट को, आर्मी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्लास, टीम, यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी, ये सभी कलेक्टिव नाउन थे। और मटेरियल नाउन्स नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, किसी मैटर का या फिर सब्सटेंस का जो नाम है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉफी, शुगर एटसेट्रा। तो हमारा 394 में स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का सेशन चल रहे हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर लाइव आपको बोलना पड़ता है। अगर आप थक चुके हैं बहुत सारी वीडियोस देख के फिर भी आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही है, तो एक बार ये 1 मंथ का प्रोग्राम आप लेकर के देखिए। इसमें 100% सक्सेस है, बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी सीख चुके हैं। आप डायरेक्टली जा सकते हैं vinayshospitality.com पे, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9050004996 पे।
हमारे अदर कोर्सेज भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू प्रेपरेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन, होटल मैनेजमेंट, फ्रेंच, जर्मन, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे। और अधिक जानकारी के लिए आप विनेश हॉस्पिटैलिटी.com विजिट कर